फ्रेंड्स, क्या आपको भी फ्री फायर को खेलने के लिए गेमिंग लैपटॉप की जरूरत है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर मैं आपको पांच ऐसे बड़े बड़े गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ जिसको खास फ्री फायर के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं आपको गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ और जितने भी आपको गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ गाइस, वो सिर्फ 40,000 के अंदर में आएंगे। और गाइस, इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर रहेगा, साथ ही साथ ये अभी के नया जो मॉडल का आता है प्रोसेसर और नया नया लैपटॉप आता है वैसा वाला लैपटॉप रहेगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको बजट गेमिंग लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ, वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप। सो गाइस, अगर आपको फ्री फायर को खेलने के लिए लैपटॉप की जरूरत है जिसमें आप अच्छा खासा फ्री फायर को खेल सको, हाई ग्राफिक्स में खेल सको, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही बेस्ट गेमिंग लैपटॉप आपको बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद भी आप काफी कुछ सीख जाओगे। तो वीडियो को भाई लोग एंड तक जरूर देखना। और इससे पहले कि स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर पर। अगर भाई लोग आप हमारे चैनल पर नए रहे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स सी गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एक छोटा सा क्राइटेरिया रख रहे हैं, मतलब कि फ्री फायर को अल्ट्रा ग्राफिक्स पर चलाने के लिए आपको पता ही होगा कम से कम अच्छा खासा प्रोसेसर होना जरूरी है। अगर डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेसर होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमको कम से कम इंटेल, मतलब इंटेल के साइड चाहता है इंटेल का कोर i3 i4, तो मतलब ये वाला जो प्रोसेसर आता है इंटेल का i3 i5, तो इसमें हमको i5 का प्रोसेसर देखना है। और राइजन का आता है Ryzen 3 Ryzen 5 और Ryzen 7 आता है, Ryzen 9 आता है, तो यहाँ पर हमको कम से कम Ryzen 5 तक का प्रोसेसर देखना है। इसमें ही फ्री फायर अल्ट्रा ग्राफिक्स पर चलेगा, हाई ग्राफिक्स पर चलेगा, तभी हमको इतना ही, मतलब इतना ही लिमिट में हमको देखना है। और डिस्प्ले जो है कम से कम HD का होना ही चाहिए। तो इन सभी चीज को हमको देखते हुए इसे गेमिंग लैपटॉप को चूज करना है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले बात करें हमारे टॉप 1, मतलब कि पहला नंबर का गेमिंग लैपटॉप के बारे में, जिसका मतलब प्राइस का सुनते ही सब एकदम 40,000 में इतना अच्छा लैपटॉप सोच भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर का जो गेमिंग लैपटॉप आता है वो आता है लेनोवो के साइड से, लेनोवो आइडियापैड S145। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेनोवो के साइड से काफी अच्छे अच्छे गेमिंग लैपटॉप आते हैं। और इसमें सच बता रहा हूँ ना, फ्री फायर इतने तगड़े से चलेगा, मतलब एकदम मक्खन की तरह आप चला सकते हो फ्री फायर को। अगर आप अल्ट्रा पर खेलना चाहते हो अल्ट्रा पर भी खेल सकते हो, स्मूथ को तो स्मूथ का तो बात ही छोड़ो, आप अल्ट्रा पर ही खेलना, इसमें बहुत ही अच्छे से अल्ट्रा को हैंडल कर सकेगा ये लैपटॉप। और इसमें कम से कम आपको एकदम मतलब ओपी लेवल का गेम प्ले तो आपको देखने को मिलेगा। आप जितना भी अच्छे नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले देखना चाहते हो फ्री फायर का, इसमें बहुत ही अच्छे से खेल सकते हो। और अभी फ्री फायर का अगर मैक्स भी आ रहा है तब भी आप इसमें आसानी से चला सकते हो, क्योंकि इसका फीचर ही कुछ ओपी लेवल का है। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर हमको 15.6 इंच का, मतलब कि 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो और क्या चाहिए हमको, फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। प्लस अगर रैम की बात करें तो भाई लैपटॉप में रैम, मतलब रैम ना मिले ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर हमको 8GB का रैम देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर हमको 512GB का SSD देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, इस लैपटॉप की यही खास बात है कि यहाँ पर आपको HDD के जगह यहाँ पर आपको SSD देखने को मिल रहा है। और जिस भी मतलब जो भी लैपटॉप में SSD लगता है ना कंप्यूटर में, तो वो मतलब और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उसका प्रोसेसर और भी अच्छे से फास्ट काम करने लगता है। तो यहाँ पर आपको 8GB का रैम, 512GB का SSD देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको लेटेस्ट विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर लेटेस्ट विंडोज 10 का, और इसमें प्रोसेसर जो है कि अभी तक का मुझे पता नहीं चला है, लेकिन इसका प्रोसेसर है कि कम से कम राइजन 5, मतलब इसका प्रोसेसर राइजन 536 या फिर इंटेल के साइड से इंटेल का कोर i5 है, लेकिन इसका मुझे पता नहीं चला है, तो मैं चेक नहीं किया हूँ। तो आप चाहो तो इसका प्रोसेसर भी चेक कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर को चलाने के लिए सेकंड नंबर के लैपटॉप के बारे में। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का लैपटॉप भी आता है, वो आता है लेनोवो के सेट से, लेनोवो V15। ये जो है इस लैपटॉप सिर्फ मतलब 40,000 के अंदर ही आएगा। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आपको 8GB का रैम, 1TB का SSD देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आपको विंडोज 10 का सपोर्ट, और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो है वो रेडियन वेगा 8 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है। तो ये लैपटॉप भी काफी अच्छा है। और मैं आपको जितने भी लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ सभी में फ्री फायर बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, लेकिन कुछ कुछ में अपना अपना एडवांस फीचर है, किसी में प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है तो किसी में रैम ज्यादा दिया है। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर के गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर का बजट गेमिंग लैपटॉप आता है, वो आता है आसूस के साइड से। जी हाँ गाइस, अगर आप आसूस लवर हो तो इस लैपटॉप को परचेस करना मत भूलना, आसूस के साइड से। ये जो लैपटॉप है बहुत ही अच्छा है और मतलब कम प्राइस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो फ्री फायर तो इसमें बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। तो अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको आसूस वीवो 14, जो कि इस आसूस के साइड से आसूस वीवो 14, और यहाँ पर आपको मतलब ये जो प्रोसेसर, मतलब ये जो लैपटॉप है, यहाँ पर आपको AMD के साइड से राइजन 5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 35 है, और यहाँ पर आपको 14 इंच का फुल HD प्लस फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और गाइस, यहाँ पर हमको 8GB का रैम और 1TB का SSD देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है और विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे गाइस चौथे नंबर के गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो हमारा चौथा नंबर का गेमिंग लैपटॉप आता है, उसमें आपको दिया है एक वेबकैम जो कि है 720p क्वालिटी का, और यहाँ पर आपको जो लैपटॉप का नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो है गाइस एविटा के साइड से लिब्रो V14। जी हाँ गाइस, ये जो लैपटॉप है बिल्कुल अलग ही लैपटॉप है, इसमें आपको
इंटेल का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 1021 है, और यहाँ पर आपको 8GB रैम 512 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि HDD है। यहाँ पर आपको फुल एच डी का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर जैसे आपको विंडोज 10 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट नंबर के गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो जितना भी लैपटॉप बता रहा हूँ फ्री फायर उसमें बहुत ही आसानी से अच्छे से चलेगा, कोई भी लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई अच्छा सा ही लेना इसमें से जो भी बता रहा हूँ उसमें से, और भी इसका डिटेल चेक कर लेना। लेकिन मुझे उतना डिटेल पता नहीं था, तो जो डिटेल पता था गेमिंग लैपटॉप के लिए तो वो सब मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह लगेगा तो आप जाकर मतलब इसको अमेजोन वगैरह में चेक कर लेना। लिंक तो मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी क्या होता है कि कई कई वेबसाइट में अलग अलग कभी कम प्राइस हो जाता है, कभी ज़्यादा प्राइस हो जाता है, और ऑफर वगैरह में आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कोई मतलब परफेक्ट लिंक नहीं दिया हूँ, वहीं से आप ले लो करके, तो आप कहीं से भी इसको देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं हमारे पांचवें नंबर के फ्री फायर को चलाने के लिए गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पांचवा नंबर का गेमिंग लैपटॉप आता है, वो आता है HP के साइड से HP 245G7। जी हाँ गाइस, यहाँ पर HP का लैपटॉप भी मैंने ऐड कर दिया है जिसमें आपको विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, 5 से 6 घंटा का इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और इसमें आपको राइजन 5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 3035 है, और यहाँ पर आपको 14 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, रेडियन वेगा 8 का ग्राफिक्स देखने को मिलता है, प्लस 8GB रैम और 1TB का HDD देखने को मिलता है। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, जो भी मैं आपको लैपटॉप बताया हूँ उसमें से कोई सा भी लेना चाहते हो तो बिंदास ले लो यार, बहुत ही अच्छे लैपटॉप है। लेकिन आप इसके थोड़ा डिटेल स्पेसिफिकेशन ले लेना, अगर आपको लैपटॉप ही चाहिए ना तो लैपटॉप ही चाहिए तो लैपटॉप ही ले लेना। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाकी मतलब जो डेस्कटॉप होता है तो आप वो वाला ले लेना, क्योंकि डेस्कटॉप जो है लैपटॉप से ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप मतलब लैपटॉप ही लेना चाहते हो तो लैपटॉप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैंने सभी लैपटॉप के बारे में बता दिया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप है। तो अगर आप कोई सा भी ले रहे हो ना तो देख लेना अच्छे से एक बार डिटेल वगैरह। तो गाइस सबको तो मैं आपको बता दिया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।